हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम आपके लिए ले आए हैं टोयोटा फॉर्चुनर मार्च 2013 फॉर सेल। तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इनके ओनर से पूछते हैं वो इस गाड़ी को क्यों बेचना चाहते हैं। अगर आप इनके ओनर से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, तो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। कैसी आती थी इसकी फ्रंट लुक, कुछ ऐसी आती थी इसकी साइड लुक, कुछ ऐसी आती थी इसकी रेयर लुक, कुछ ऐसा हेडलैम्प आपको टोयोटा फॉर्चुनर 2013 में मिलता था, जहाँ पर ये प्रोजेक्टर, एक हेलोजन बल्ब यहाँ पर, एक हेलोजन बल्ब वहाँ, और यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट और नीचे फोग लैंप की प्लेसमेंट मिल जाती है। RPM पे टर्न इंडिकेटर भी रहता है। प्रेजेंट टाइम इसमें MRF के टायर्स हैं जिनकी प्रोफाइलिंग है 265, 65 और 17, और इसमें अलॉय व्हील्स कुछ इस टाइप के हैं। 2013 में फॉर्चुनर में कुछ ऐसी चाबी आपको मिलती थी जहाँ पर ये लॉक बटन या अनलॉक बटन आपको मिलता है। देख सकते हैं, जब आप लॉक बटन दबाते हैं तो आपके जो RVM है वो ऑटो फोल्डेबल हो जाते हैं। इसके इंटीरियर की तरफ देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची गाड़ी है तो आपको यहाँ पर ये चढ़ने के लिए चाहिए पक्का। पर आपको सीट्स ऑटो एडजस्टेबल मिलती हैं, यहाँ से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही की को ऑन करेंगे तो आपके जो RVM है ऑटो ओपन हो जाएंगे। कुछ ऐसी MIT आपको मिलती है जहाँ पर ये स्पीडोमीटर, RPM मीटर, ये टेम्परेचर, ये फ्यूल, और इस टाइम पर ये गाड़ी 211,262 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है। स्टीयरिंग पर आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और स्टीयरिंग आपका ये सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। पर आपको चारों पावर विंडोज़ के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक बटन, मिरर लॉक, ORVM के कंट्रोल्स, लाइट के कंट्रोल्स, और यहाँ बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर एक एसी वेंट, दो एसी वेंट यहाँ पर, एक एसी वेंट वहाँ पर। यहाँ पर AC के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि सब ऑटोमेटिक है, और यहाँ पर पार्किंग बटन, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। ये फोर व्हील ड्राइव के लिए आपको ये मिल जाता है, जब आपको ये फोर व्हील ड्राइव में लगानी हो उसके लिए ऑप्शन है। आपको इसमें 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, USB ऑक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसकी वॉइस सुनना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इसमें बोतल होल्डर, यहाँ पर आप कुछ भी कॉइन वॉइन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर ये आर्मरेस्ट प्रोवाइड रहता है, यहाँ पर इसमें अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह कुछ भी। कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स आपको इसमें मिलता है। यहाँ पर इसमें आपको कोई मिरर नहीं मिलता, यहाँ पर इसमें आपको एक मिरर मिलता है। यहाँ पर ये सनग्लास होल्डर, और यहाँ पर ये दो लाइट, जब आपके डोर ओपन होता है जब जलती हैं। आपको चारों विंडोज़ में बोतल होल्डर का भी ऑप्शन मिलता है। मिरर आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाता है, आप इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रो की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 60-40 की स्प्लिट में सीट प्रोवाइड रहती हैं, और यहाँ पर एक आर्म रेस्ट भी प्रोवाइड रहता है। आपको सेकंड रो में भी AC वेंट प्रोवाइड रहते हैं, यहाँ पर ये AC कंट्रोल हो गए, और यहाँ पर ये एक लाइट। आप देख सकते हैं आपको लेग रूम में कितना अच्छा स्पेस मिलता है, यहाँ पर हेड रूम में भी बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। आप देख सकते हैं आपकी जो सेकंड रो वाली सीट्स हैं मैनुअली एडजस्ट हैं, तो आप इन्हें मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। आपको आगे वाले दो हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं बस। 2013 फॉर्च्यूनर में कुछ ऐसा टेल लैंप आपको मिलता था, जब आप ब्रेक जलाते हैं जब जलती है, जब आप इंडिकेटर चलाते हैं जब जलती है, जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं जब जलती है। इसमें आपको रियर वाइपर और डिफोगर दोनों मिलते हैं, और यहाँ पर ये टोयोटा के लोगों की बैजिंग, यहाँ पर ये फॉर्च्यूनर की बैजिंग, और यहाँ पर ये फोर व्हील ड्राइव की बैजिंग मिलती है। गाड़ी को अनलॉक करते हैं, उसके साथ साथ ये बूट भी अनलॉक हो जाता है, तो कुछ ऐसे ओपन होता है इसका बूट। जब भी आपके सीट्स फोल्ड रहती हैं तो आपको 296 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है। तो हम आपको एक बार ओपन करके दिखाते हैं। कुछ इस टाइप से ओपन होती हैं की तरफ, तो आप इन्हें सीट्स को फोल्ड करके यहाँ से थर्ड रो में जा सकते हैं। इसमें यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये आपकी सीट्स फिक्स हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सही स्पेस मिल जाता है। रोल आराम से कोई भी इसमें ट्रैवल कर सकता है, वैसे मतलब मेरी हाइट का हो जो। आप देख सकते हैं इसकी जो सीट्स कवर हैं ये बिल्कुल न्यू हैं, ये भी कुछ टाइम पहले ही इसमें लगवाए गए हैं।
एक बार हम आपको इसकी नॉइज सुना देते हैं कि कैबिन में कितनी इंजन नॉइज आती है। तो आप सुन सकते हैं, इसमें आपको 2982 सीसी का फोर सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 171 बीएचपी की पावर और 343 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हम आपको इसकी एक बार इंजन नॉइज सुना देते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार हमारे व्यूअर्स को आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इशान है। तो आप इस टोयोटा फॉर्च्यूनर को क्यों बेचना चाहते हैं? हम नहीं बेचना चाहते हैं, हम गाड़ी दूसरी लाएंगे। तो क्या आस्किंग प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस है 13 लाख रुपए। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे कैसे करेगा? इसकी नंबर है हमारा, आप हम कॉल कर लीजिए। तो सर थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।